हाय एवरीवन, आज हम एकदम नई तरीके से नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो सुबह शाम को कोई भी टाइम बना के खा सकते हो, बच्चे को टिफिन में दे सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर की स्टफिंग देखिए, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बने हैं। एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसी नाश्ता को बनाना पसंद करेंगे। एकदम नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। चलिए देर की इस बात की, इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल ले लिया है, एक बॉयल आलू ले लिया है, छिलका हटा के ग्रेटर से आलू को हम ग्रेट करेंगे। आलू को ग्रेट करके ले लिया है, एक बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे, एक हरी मिर्च, एक प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, सब्जी अपने मनपसंद की ले सकते हैं, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। रसोई में बेसिक सा सामान से ही हम नाश्ता को बना के दिखा रहे हैं, इंस्टेंट बन के रेडी हो जाते हैं। मिक्स कर लिया है, एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर बना लेंगे। बेटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस नाश्ता को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से बेटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट बेटर है हमारी। इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही बना सकते हो। अब बेटर हमारी रेडी है, अब हम गैस पर चलेंगे। गैस पर पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को फैला लेंगे इस तरह से। अब 1-1 चम्मच बेटर डालेंगे, इस तरह से फैला लेंगे। डाल दिया है, अब कवर करके 3 मिनट पका लेंगे गैस का पहले मीडियम करके। 3 मिनट बाद चेक करेंगे, ऊपर से ड्राई हो गई है। थोड़ी थोड़ी ऑयल डालेंगे, अब हम पलटेंगे, देखिए बड़ी आराम से पलट गई है। इस तरह से दबा लेंगे, फिर से 3 मिनट कवर करके पका लेंगे। 3 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, पलटेंगे, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। पलट लिया है, अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अलट पलट के 2-3 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। कम तेल का नाश्ता है, हेल्दी भी है, एनर्जी से भरपूर है। जोर की भूख लगी हो, रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, इंस्टेंट कुछ बना के खाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएँगे। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, कितनी बढ़िया बनी है। देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है। सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो। एक बार सबसे पहले डो लगाएंगे, एक बाउल ले लिया है, 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे, थोड़ी सी नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच ऑयल। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। डो लगा लिया है, अब इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, तब तक स्टफिंग रेडी करते हैं। 2 बॉयल आलू ले लिया है, आलू को हम ग्रेट करके लेंगे, आप मैश करके भी ले सकते हो। आलू को ग्रेट करके ले लिया है, 1 बारीक कटी हुई टमाटर, 1 प्याज, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़े से खीरा को ग्रेट करके ले लिया है, वो डाल देंगे। पानी नहीं निकाला, इसी तरह से ही डालना है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। खीरे के जगह गाजर भी ले सकते हो। बहुत ही कम मसाले में झटपट बनने वाली नाश्ता है। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब इसको साइड में रख देंगे और आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम डो को चेक करेंगे, इधर डो भी हमारी सेट हो गई है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको चिकना करके ले लेंगे। अब छोटे छोटे लोहे निकाल लेंगे, 1 लोहे ले लेंगे, गोला करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि नीचे चुपके ना। अब हम बेल लेंगे, पूरी के आकार से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। देखिए बना लिया है, इसी तरह से हम सभी को बना के रेडी कर लेंगे। सभी रोटी को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा भी हमारी गर्म हो गई है। अब हम रोटी को डाल देंगे, एक साइड सिकने देंगे गैस का पहले मीडियम करके। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे।
देखिए इधर कलर चेंज हो गए। इस तरह से धीरे धीरे दबा दबा के सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे, पलट पलट के थोड़ी देर सेक लेंगे ताकि रोटी हमारी कच्ची ना रह जाए। रोटी हमारी सिक गई है, इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी रोटी को रेडी करके ले लिया है, टमाटर सॉस ले लिया है, एक चम्मच सॉस हम इस तरह से लगा लेंगे। बच्चों को टमाटर सॉस बहुत ही पसंद है। और जो स्टफिंग बनाई है वो दो चम्मच स्टफिंग हम रख लेंगे, किनारी पे रखना है, इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से बना के बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हो, सब मांग मांग कर खाएंगे। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए इसी तरह से हम सभी को बना के रेडी कर लेंगे। देखिए सभी को रेडी कर लिया है, फिर से गैस पे चलेंगे। गैस पे पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, पैन भी हमारी गर्म हो गई है। आप इसको तवा पे भी बना सकते हो। एक चम्मच ऑयल डाला है, ऑयल को इस तरह से फैला लेंगे, बहुत ही कम ऑयल में बन के रेडी हो जाते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम करके रखा है। अब हम नाश्ता को डाल देंगे, एक बारी में जितना आ जाए उतना ही डालिए। अब एक साइड सिकने देंगे, एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है। अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है, और अलग पलट के एक मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। सुबह शाम के नाश्ते में, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, सब मज़े से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। नाश्ता को एक से कोई नहीं मानेगा, सब डबल डबल खाएंगे। आपको इसको ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। नाश्ता हमारी रेडी है, कितनी बढ़िया बनी है, देखिए देख के ही मुंह में पानी आ रही है। देखिए कितनी क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ। देखिए इस नाश्ता को बनाने के बाद अब रोज जान बूझ कर इस नाश्ता को बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।